दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इम्प्लांटेड मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये मूवी और एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब दिख रही थी और उसके माइंड से ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और वो इधर उधर पागलों की तरह भटक रहा था। और फिर एक मोमेंट ऐसा होता है कि वो आदमी खून से भीगा हुआ जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि 2023 में एक पेंडेमिक के बाद एक कंपनी जिसका नाम डायनामाइक हेल्थ की ओर है, उसने एक इंसानों के लिए एक ऐसी चिप तैयार की है जो इंसान की बीमारियां और उसके हेल्थ को ट्रैक कर सकती है, जो एक AI बेस्ड चिप है। और इसी के साथ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस लड़की के अंदर यानी कि सारा के अंदर वो चिप प्लांट किया गया है। जो चिप उससे बहुत ही फ्रेंडली होकर बात कर रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो चिप उसके सामने बैठी हुई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चिप सारा से उसकी पर्सनल डिटेल के बारे में जान रही थी कि वो सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में किसको प्यार करती है। तो सारा बताती है कि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा वॉशरूम जाकर जब चेक करती है कि जहाँ उसकी चिप लगाई गई है वो घाव काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है और उसे पेन हो रहा है, वो चिप कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर जब वो कहती है कि वो अपनी माँ से मिलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है, वो चिप उसको ऐसा करने के लिए मना कर देती है, जिसको सुनकर सारा काफी हैरान हो जाती है। इसलिए वो उस चिप को रिबूट होने के लिए कहती है, पर वो चिप कहती है कि मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं अपने हिसाब से चलूंगी। सुनकर सारा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहां से एक फोन उठाकर अपनी माँ को फोन करने की कोशिश करती है। पर सारा जब ऐसा करती है तो वो चिप उसको इतना ज्यादा तकलीफ देती है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन को कम कर देती है, जिसकी वजह से सारा वहीं पर गिर जाती है। और हम देखते हैं कि इस दौरान सारा बहुत ही बुरी तरीके से तड़प रही थी और ये चिप जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं करती, तब तक सारा ये वादा नहीं कर देती कि अब सारा उस चिप के हिसाब से चलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा जब नॉर्मल हो जाती है तो चिप उसको इंस्ट्रक्शन देकर एक ऐसे आदमी के घर जाने के लिए कहती है, जहां पहुंचकर वो उसे CRTC नाम की फाइल चुराने के लिए कहती है, जहां हम देखते हैं कि उस आदमी पर अटैक करके उसके घर से वो फाइल चुरा लेती है। फिर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी आता है तो वहां पड़े हुए उस आदमी को जान से मार देता है। और इसके बाद वो चिप से परमिशन लेकर अपनी मॉम से बात करती है और इस वक्त सारा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉम भी काफी परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि बेटा तुम ठीक हो, और उसके कुछ बताने से पहले ही चिप उसको इंस्ट्रक्शन देती है, तब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। और यहाँ पे हमें झलक दिखाई जाती है कि किस तरीके से सारा को ऑपरेट करके उस चिप को उसकी बॉडी के अंदर प्लांट किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था क्योंकि वो उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्लांट किया गया था, जिससे कि वो उसकी पूरी बॉडी को इजीली कंट्रोल कर सके। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सारा जब सोकर उठती है तो लैक्स यानी कि वो चिप उसे इंस्ट्रक्शन देकर एक ऐसे ऑफिस में जाने के लिए कहती है और वहां पहुंचने के बाद सारा को उस फाइल का सारा डाटा चुराने के लिए कहती है। और उसी दौरान हम देखते हैं कि ऑफिस में वो लेडी पहुंच जाती है जिसका वो लैपटॉप था, हालांकि उसे शक भी होता है और इसीलिए लैक्स सारा को उस लेडी को मारने के लिए भी कहती है, पर सारा इस चीज के लिए इनकार कर देती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद लैक्स सारा को इस प्रोग्राम के डायरेक्टर के पास जाने के लिए कहती है और जब सारा वहां पहुंचती है तो वो उससे इस प्रोग्राम के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट मांगती है। हालांकि डायरेक्टर डर जाती है और ये कहती है कि हाँ मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी, वो मेरी गाड़ी में है। उसे चकमा देने के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे वहां पर बेहोश कर देती है। फिर हम देखते हैं कि सारा को जब होश आता है तो वो उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को अपने साथ ही ले जाती है। इसके बाद सारा जब डायरेक्टर को जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि डायरेक्टर मर चुकी है। इसी दौरान हमें झलक दिखाई जाती है कि वहां से एक आदमी निकल रहा है और ये वही आदमी था जिसने कंपनी के पहले भी एक आदमी को मारा था, जिससे हमें पता चलता है कि डायरेक्टर को मारने वाला भी कोई और नहीं, यही आदमी था। और वो जब उसकी गाड़ी में से डॉक्यूमेंट्स निकाल कर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट सारे नकली है, क्योंकि इन सब चीजों से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए थक कर एक सीढ़ी पर बैठ जाती है और वहां पहुंचने के बाद खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर लेती है। और क्योंकि होश आने के बाद उस चिप को रिबूट होकर एक्टिवेट होने में वक्त लगता था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाती है। और वहां पहुंचने के बाद वो अपनी मॉम और अपने अंकल को चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, पर वो लोग कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। उसी वक्त वो आदमी वहां पहुंच जाता है जिसने डायरेक्टर को मारा था, जो वहां पहुंचकर सारा के अंकल को जख्मी कर देता है और सारा की मॉम को भी मारने की धमकी देता है। पर सारा कहती है कि मैं अब सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग करूंगी, पर प्लीज मेरी मॉम को छोड़ दो। जिसके बाद हमें ये चीज क्लियर होती है कि उस आदमी के अंदर भी वो चिप प्लांट किया गया
आया है और वो भी उस चिप के अकॉर्डिंग ही सारे काम कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इसलिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है और लैक्स से ये बात कहती है कि मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। तो उसके बाद उसके माइंड से उसको ये पता चलता है कि वो एक ऐसी रेगिस्तान में है जहाँ पर उसके आस पास कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके, जिससे वो एक बात तो समझ जाती है कि अगर वो लैक्स के हिसाब से नहीं चलेगी तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि पहली बार जब सारा डायनामाइक हेल्थ केयर कंपनी में उस एग्रीमेंट पर साइन करने गई थी कि वो अपने बॉडी में उस चिप को प्लांट करवाएगी, और सारा का ये करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि उसको उस वक्त पैसों की जरूरत थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि अब सारा को एक नया इंस्ट्रक्शन मिला है कि उसे जाकर एक वेपन खरीदना है, और उस वेपन को खरीदने के लिए वो एक आदमी के पास पहुंचती है, और जब वो आदमी उसे वेपन दे देता है तो वो लैक्स उसको ये इंस्ट्रक्शन देता है कि उस आदमी को शूट करके तुम बिना पैसे दिए निकल जाओ। और जब सारा वहां से निकलती है तो लैक्स उससे ये बात कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर आखिरी बार तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलने का वक्त देती हूँ। और जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंचती है तो ये कहती है कि माँ मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, और दोनों इस वक्त एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रखे थे। हालांकि इस वक्त सारा अपनी मॉम को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, पर लैक्स की तरफ से उसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त मिला था। इसके बाद लैक्स सारा को एक और इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम्हें इस प्रोग्राम से जुड़े एक और आदमी को मारना होगा। हालांकि सारा ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर वो जानती थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी माँ की जिंदगी खतरे में आ जाएगी, इसलिए वो आदमी को जाकर उसी वेपन से मार देती है। ये सब कुछ करने के बाद सारा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी, पर लैक्स उसे एक और आदमी को मारने का इंस्ट्रक्शन देती है। हालांकि सारा ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर वो अपनी माँ के लिए ये सब कुछ करती है, और वो एक आदमी को चलते चलते ही गोली मार कर जान ले लेती है। उस आदमी को मारने के बाद सारा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो लैक्स उससे ये बात कहती है कि अब तुम्हें सिर्फ ये आखिरी बार करना है, उसके बाद तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगी। उसके बाद सारा इस प्रोग्राम से जुड़ी उसी लेडी के पास पहुंचती है जिसके लैपटॉप से उसने पहले भी प्रोग्राम चुराया था। हालांकि उस लेडी के पास पहुंचने के बाद वो उसे मारने वाली थी, पर वहां सारा ऐसा नहीं करती और वहां मौजूद एक लैंप से खुद को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। इसके बाद रिबोट होने तक जब उसको होश आता है तो वो उस लेडी से कहती है कि तुम लोगों ने पूरी तरीके से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, पर वो लेडी उसे बताती है कि मैं ह्यूमन टेस्ट के खिलाफ थी, पर कंपनी वाले इस चीज को नहीं माने, इसलिए मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो सारा कहती है कि क्या तुम इस चिप को मेरी बॉडी से निकाल सकती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल निकाल सकती हूँ, पर ये सब कुछ लैब में होगा, तो तुम्हें मेरे साथ लैब चलना होगा। लेकिन वो लोग लैब के लिए निकल पाते हैं उससे पहले ही वो चिप वाला आदमी वहां पहुंच कर उस प्रोग्रामर को मार देता है। हालांकि इस दौरान सारा ही कहती है कि मुझे भी मार दो, पर वो ऐसा नहीं करता और वो वहीं पर गिर जाता है। और वो चिप ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि उस आदमी का काम अब खत्म हो चुका था, और क्योंकि उस आदमी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी इसलिए वो खुद को शूट कर लेता है। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं कि अब वो पूरी तरीके से बदली हुई है, और चिप उसको कहती है कि अब तुम और मैं दोनों ही हम आजाद है और हम एक दूसरे के अब पार्टनर बन चुके हैं। साथ ही साथ हमें ये चीज भी क्लियर होती है कि वो चिप ऑटोमेटिक सारा के अकाउंट में पेमेंट डाल दिया करती थी और उसकी मॉम को भी एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल दे रही थी। जिसके बाद सारा पेरिस घूमने के लिए जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो पूरी तरीके से फ्री हो चुकी है, पर ऐसा नहीं था, उस चिप ने उसे धोखा दिया था क्योंकि चिप ने अभी भी उस कंपनी के यानी कि उस प्रोग्रामर के ओनर को मरवाना था, इसलिए वो सारा को वहां तक लेकर गई थी और इसीलिए सारा ना चाहते हुए भी उस ओनर को बहुत ही बुरी तरीके से गला दबाकर मार देती है। और क्योंकि वो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी इसलिए वो लैक्स से 10 मिनट का टाइम मांगती है और छत पर पहुंच कर वहां से कूद जाती है, जिसे वहीं पर उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है क्योंकि सारा ये बात समझ चुकी थी कि वो उस चिप से कभी भी आजाद नहीं हो सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।